जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे? दोस्तों, कौन नहीं चाहता कि हमारा पर्स हमेशा पैसों से भरा रहे, हमारे पर्स में कभी भी पैसों की कमी नहीं हो। आज जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ, आप करके देखिएगा, कभी भी आपके पर्स में पैसों की कमी नहीं रहेगी। आप शुक्रवार के दिन थोड़े से चावल ले लें। चावलों के लिए विशेष करके आप ध्यान रखें कि अक्षत होने चाहिए। अक्षत का मतलब होता है अखंडित चावल। आप इस बात का अवश्य ध्यान रखा कीजिए कि जब भी पूजन करें और अक्षत लें तो टूटे फूटे नहीं होना चाहिए। आप थोड़े से चावल के दाने बुलाकर उन्हें बीन कर उसमें से जो खंडित होते हैं उन्हें निकालकर अलग कर दें, क्योंकि खंडित चावल कभी भी पूजन में यूज़ नहीं किए जाते हैं, उपयोग में नहीं लिए जाते हैं। तो आप थोड़े से चावल शुक्रवार की शाम को ले लें, उसे हल्दी से थोड़ा सा रंग लीजिए। आप शाम के समय इन हल्दी से रंगे हुए चावलों को माँ लक्ष्मी और विष्णु जी के समक्ष रखकर और शुद्ध घी का दीपक लगाकर एक माला, आप एक माला कर सकते हो तो एक माला, दो माला कर सकते हो तो दो माला, जितनी माला आप कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ कमलगट्टे की माला है तो उससे, और नहीं तो रुद्राक्ष की माला या जो भी माला आपके पास है उससे भी कर सकते हैं। आप माँ लक्ष्मी का जाप करें, जो उनका बीज मंत्र है उस मंत्र का जाप करें। उसके बाद इन चावलों में से उठाकर 11 दाने आप अपने पर्स में रख लें पुड़िया बनाकर, और पर्स के ऐसे हिस्से में रखें जहां आपको ज़्यादा कुछ रखते नहीं हो, बिल्कुल अलग जो चेन होती है उसमें रखिए, पुड़िया बना कर रखना है। बाकी के चावलों को आप पक्षियों के लिए दाने के रूप में डाल सकते हैं, या चाहें तो नदी में समर्पित कर सकते हैं, चाहें तो किसी वृक्ष के नीचे डाल सकते हैं। अब आपको एक और बात बता दूं मैं कि पर्स में आप चाहते हैं कि यदि हमेशा मेरा पर्स पैसों से भरा रहे, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं हो, तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना ही होगा। जैसे पुराने बिल कभी भी नहीं रखना चाहिए हमें पर्स में। हम कुछ सामग्री खरीदते हैं, कुछ वस्तुएँ लाते हैं, बिल मिलता है, हम हमारे पर्स में रख देते हैं। रख तो देते हैं लेकिन निकालना भूल जाते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही गलत साबित होता है, नेगेटिविटी बढ़ती है हमारे पर्स की। इसलिए कभी भी हमें पुराने बिल नहीं रखना चाहिए। यदि हमारे पर्स में कटे फिटे नोट रखे होते हैं वो भी अच्छा नहीं रहता। यदि आपके पर्स में भी कभी कटे फिटे नोट रखे हुए हों तो उन्हें निकाल दीजिए, बदलवा लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, लेकिन पर्स में ना रखिए। ये कुछ बातों का ध्यान यदि आप रखते हैं तो आप मान कर चलिए कि कभी भी आपके पर्स में धन की कमी नहीं होगी। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे मेरे पास पर्स में पैसे नहीं हैं। करके देखिए, आपको ये सारे कार्य श्रद्धा और भक्ति के साथ करना होगा, श्रद्धा और विश्वास रखना होगा। करके देखिए। ओम नमः शिवाय।